पहले का सीन ऐसा था कि घंघरिया में तो पहुंच गए और हमने गुरुद्वारे में हॉल ले लिया है। गुरुद्वारे में नीचे ही हमने लंगर भी खा लिया, चाय भी पी ली और उधर हमारा हॉल भी है। और मैं दिखा देता हूँ, गुरुद्वारे में लगभग सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, खाना पीना इस गैलरी में। आगे चल के वहाँ पे लंगर खाने के लिए। और ये हमारा हॉल नंबर 5, यहाँ सारे बिस्तर जमीन में लगे हैं। इधर पांडे जी बैठे हैं, इधर डप्पे मार रहा था। अरे बिल्कुल दादा, और ये भाई यहाँ सो भी गया था लेकिन सही नहीं ला रही इसका है। तो अभी नीचे चल के एक बार और चाय पी लेंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल दादा, मज़ा आ रहा था। अभी हम चाय लेके आ गए, 3 कप चाय है ये, सोचिए हमने एक बार और लेके आएंगे। या तो खच्चर ले लिया, मुझे कंधे पे उठा लियो। जोर से बोला राशिद भाई, कह रहे हैं या तो खच्चर ले लियो या फिर मेरे को कंधे पे उठा लेना। अरे तुम्हें उसमें ले आएंगे कंडी में? हाँ, कंडी में बैठा के नहीं लिया था आपके वाली बढ़िया वाली। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो यह है day 4 और अभी हम हैं घांगरिया के गुरुद्वारे में और यहीं पे हम सोए थे रात को। तो चलो अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। ये हमारा हॉल था इधर और इधर ये गुरुद्वारा है और ये सामने देखो पहाड़ कितना ऊंचा। ये पूरा ही गुरुद्वारा है, ये सारे रूम हैं इधर। और अभी इधर ठंडा बहुत हो रहा है और मैं नंगे पाँव हूँ क्योंकि मेरी चप्पल पांडे जी ले गए, वो नीचे फ्रेस होने गए। चलो फिर रूम से निकल रहे हैं, नीचे चलते हैं, जरा नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद पैकिंग शुरू करेंगे। हम फर्स्ट फ्लोर में थे तो हमें सीढ़ी नीचे जाना पड़ेगा। ये है गुरुद्वारा घांगरिया का और यहाँ पे देखो हॉट वाटर है और इसमें चाय, जितनी मर्जी चाय पी। तो यहाँ की मैं आपको एक चीज़ दिखाई देता हूँ, यहाँ पे एक कहानी है कि जब ऊपर पीछे हेमकुंड साहिब को ढूंढा गया था, वहाँ पे कुंड ढूंढा गया था, तो कोई जो सेवादार थे वो हेमकुंड से वापस आते थे नीचे दिल्ली क्योंकि वहाँ पे ठंडा काफ़ी होता था, तो वो इस पेड़ की गुफा में रहते थे। तो ये इस तरह की एक कहानी है जो मैंने सुनी है, बाकी इधर लिखा भी है कुछ। तो वो सेवादार जो थे वो शाम को पेड़ के नीचे आकर रुकते। चलो फिलहाल अभी चाय पी लेते हैं, इन दोनों ने तो चाय ले ली, मैं लेके आता हूँ चाय। और गुरुद्वारों में सारी चीज़ें सेल्फ सर्विस होती है। कल से अभी तक कम से कम 5-6 चाय पी चुका मैं। अलग ही स्वाद है गुरुद्वारे की चाय, मज़ा आ रहा है। चाय भी अच्छी है, चाय चाय, सुबह भी चाय, शाम में चाय, दिनों चाय, रात की चाय। तो यार सीन ऐसा है कि ये जो बैग है ये हो गया काफ़ी भारी, राशिद और पांडे जी चले गए ऊपर और ये अकेले से तो उठ नहीं रहा। मैंने कहा तो वापस गुरुद्वारे में जमा कराते हैं, तभी मैंने पांडे जी को बुलाया तो है और देखो आ रहे हैं। इधर एक खूबसूरत सी नदी बह रही है और ये देखो इधर पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं और उधर दिख रहे हैं वो ग्लेशियर है वो, और हेमकुंड साहिब भी मेरे ख्याल से उसी साइड में है। ठंडा काफ़ी है लेकिन धूप तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है लेकिन ठंडा है। तो चलो फिर चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, ये पुल पार करके वो तो ठंडा हुआ और ऊपर बादल लगने शुरू हो गए हैं, हमें ऊपर ठंडा मौसम मिलने वाला है। ये हेमकुंड साहिब वाला कौन सा वाला ऊपर और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, ये वाला हेमकुंड साहिब के लिए है और ये वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। तो अभी हमें इधर ही निकलना है, यहाँ से 4 किलोमीटर है और हेमकुंड साहिब के लिए उस तरफ से रास्ता है। फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार 160 मीटर, प्रवेश समय प्रातः 7 बजे से 12 बजे तक। यहाँ कुछ ज़्यादा ही उबड़ खाबड़ रास्ता है कल के मुकाबले, कल तो फिर भी अच्छा था, यहाँ और टफ है, ऐसे क्रॉस करके पड़े और भीड़ देखो सर का भी ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें साथ में नहीं लानी है। तो ये है रास्ता वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, हम वहाँ नीचे से आए तो उधर से, और अभी ये एक झरना है तो उसके ऊपर टेम्परेरी रास्ता बना रखा है, वो पार करना है हमने और उस तरफ जाना है, वो परफेक्ट है।
ये है वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक और काफ़ी ज़्यादा हरा भरा है। 4 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ पे, बाकी देखते हैं कितना टफ है या इजी है। और हमें जाना है वो नीचे उधर नदी पार करनी है, उसके बाद सामने वाले पहाड़ में और उसको क्रॉस करके उसके साइड पीछे है वैली ऑफ फ्लावर्स। ये देखो व्यू, इसे कहते हैं एक परफेक्ट व्यू। पहाड़ देखो कितने ऊँचे, ओ माई गॉड, पूरा ऊपर तक रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया। वो देखो वहाँ तक है। अब चढ़ाई शुरू हो गई है, बड़ी चढ़ाई। और ये बातें चलो, ये पूछा था इतना वेट लेके कैसे आ सकते हो। ये यहाँ से हमें ऊपर जाना है, ऊपर तक, वहाँ से उस घाटी में। तो वही वैली ऑफ फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा चढ़ाई यार, बहुत ज़्यादा चढ़ाई। दिखाता हूँ देखो लोग कैसे आ रहे हैं, पालकी में भी आ रहे हैं। तो इतना क्रेज है वैली ऑफ फ्लावर्स आने का लोगों को, क्रेज तो हमें भी है, जा तो हम भी रहे, लेकिन अब हेमकुंड साइड नहीं जा पाएंगे। हम उस तरफ से आए थे ऐसे, ये नीचे नदी में, नदी क्रॉस करके फिर सबसे ऐसे ऊपर चढ़ते 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 यहाँ तक आए। यहाँ से अभी वो वहाँ जाना है, बहुत ऊँचाई पर यार। इधर पांडे जी को पानी मिला है, कहाँ पानी, चलो इधर से पानी भर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। फिर पानी भर लिएगा, ये पांडे जी इधर लेटे पड़े। और एक चीज़ दिखाता हूँ, वो जो ऊपर टॉप में दिख रहा है वो हेमकुंड साहिब है, वहीं कुंड से जो झरना आ रहा है ये नीचे आके नदी में मिलता है। तो यहाँ से हेमकुंड साहिब थोड़ा सा दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हेमकुंड साहिब से जो झरना निकल रहा है बोल रहा है, नीचे आते 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 नीचे नदी में जाकर मिलेगा। तो ये है कुछ वैली ऑफ फ्लावर्स उधर, और हम अभी चढ़ ही रहे हैं। और अभी से हमें काफ़ी सारे फ्लावर्स देखने को मिल गए, देखो पिंक है, येलो है, वाइट है, काफ़ी किस्म के हैं। अभी भी है 2-3 किलोमीटर है, और अब चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। पूछते हैं 2 किलोमीटर का, जिससे भी हमने पूछा अभी तक सबने यही बोला, हम जब नीचे नदी के पास थे तभी उन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर है। अब यहाँ इतनी ऊंचाई में आने के बाद भी लोग ये कह रहे हैं अभी 2 किलोमीटर है। तो मुझे नहीं पता ये 4 किलोमीटर का रूट, 10 किलोमीटर होगा टोटल, 4 किलोमीटर मुझे लग रहा है ऐसे चीज में होगा, ऐसे होगा सर। हाँ बस चीज में, वैसे ये चलने में करीब 10 किलोमीटर होगा। बहुत देर हो गया चलते चलते, कितने भी निकले थे हम लोग, फिर अभी टाइम क्या हो रहा है, 9 बजे हम वहाँ गेट पे आ गए थे, अभी 12 बजे, 3 घंटे हो गए हमें, 3 घंटे में 4.5 घंटे से हम चल रहे हैं, और अभी भी 2 किलोमीटर बचा है, जो स्टार्टिंग से 2 किलोमीटर बचा हुआ था। अब नहीं करेंगे भाई ट्रैक, बहुत हो गया। तो ये है वैली ऑफ फ्लावर्स, और फाइनली हम पहुँच ही गए हैं लगभग। खुशबू कितने अच्छी आ रही है हमें, जगह तो बेहतरीन है, वो है उधर देखो वैली, यहाँ फूल लगे हुए हैं देखो। तो चलो फिर वैली ऑफ फ्लावर्स की थोड़ी सी एक ट्रैक की वीडियो देखते हैं, कैसा ट्रैक है। ये इस तरह का है, फ्लावर्स भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं, ब्लू वाले देखो अच्छे लग रहे हैं। ये है वैली फ्लावर्स के फ्लावर्स, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ब्यूटीफुल, वो ऊपर तक लगेगा देखो। तो कुछ इस तरह का है ट्रैक, और ये इधर से वैली है, इतनी भीड़ हो रही है इधर, ये एक एक करके निकलना पड़ रहा है, सारी पब्लिक इधर ही आ गई लग रहा है। people
तो ये है वैली ऑफ फ्लावर्स, सब तरफ फ्लावर ही फ्लावर हैं। फाइनली हम टॉप तक पहुंच गए जहाँ पे फ्लावर थे। इधर उधर पास से दिखा देता हूँ, जैसे पूरी घाटी ऐसे पिंक कलर के फ्लावर से ढकी हुई है। कुछ ये वाइट फ्लावर्स हैं उस तरफ भी हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इधर चढ़ाई है ठीक ठाक, पूरे फ्लावर्स। ये हम फूलों की घाटी के अंदर हैं, इधर सारे तरफ फूल ही फूल हैं। ये देखो क्या सुहाना मौसम हो रहा है, कितने सारे फूल, मजा आ गया यार। यार मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ के व्यूज़ के, यहाँ के फ्लावर्स की वीडियो अलग से अपलोड करूँगा, क्योंकि इसी में करने पे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि यहाँ व्यूज़ इतने सारे हैं, इतने सारे फ्लावर्स हैं कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो ये सब मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन का बटन भी दबा के रखिए, क्योंकि जल्दी ही मैं यहाँ के व्यूज़ की वीडियो भी अलग से अपलोड करूँगा, जो सिनेमेटिक और स्लो मोशन टाइप में होगी, काफ़ी मज़ा आने वाला है उसमें, उसे ज़रूर देखिएगा। हम जब वहाँ पे थे वहाँ से हमें दिख नहीं रहा था, लेकिन जब यहाँ पे आए तब पता चला कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा फूल है। और ऊपर देखो झरना कितना अच्छा लग रहा है। और ये हमारी पानी की बोतल है, इसे हम फेंकेंगे नहीं, नीचे जाके कहीं डस्टबिन में डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा चिल्ला, देखो इसमें बाहर से भाप जम गई। एक और कोई फ्लावर है पता नहीं कैसा है ये, जिसका मतलब यहाँ पे आपको कई सारी प्रजाति के फ्लावर्स मिल जाएंगे। अभी हम ये टेम्परेरी पुल पार कर रहे हैं, यहाँ से नदी बह रही है। चलो फिर ये ब्रिज पार करते हैं, यहाँ नदी का बहाव है इधर, और आराम आराम से करना पड़ेगा। वहाँ भी चल रहे हैं गंगरिया की तरफ, जब तक फूलों की घाटी के पास ना आ जाए तब तक पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ बहुत ही खूबसूरत फूल है। दूर से तो नज़र ही नहीं आ रहा था कि फूल है भी या नहीं, पर यहाँ काफ़ी तादाद में फ्लावर्स हैं। इधर सब जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, वो देखो ऊपर तक बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स। मानसून सीजन में तो वैसे ही फ्लावर्स काफ़ी रहते हैं सर, इसीलिए इसका नाम फूलों की घाटी पड़ा हुआ है, और स्मेल भी बहुत अच्छी है अभी। ये देखो क्या है, किसी को इस फ्रूट का नाम बताओ तो बताना ज़रा मुझे, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है लेकिन अच्छे लग रहे थे। ये शायद ब्लू कॉफ़ी है आई थिंक सो, किसी किस्म की बेरी काफ़ी सारी लगी हुई है। ये डार्क कलर में है और ये लाइट कलर में। तो वैली ऑफ फ्लावर्स हम नीचे उतर गए हैं, अभी उतरे नहीं हैं लेकिन उतर रहे हैं। तो यहाँ मैक्सिमम जगह ढलान मिलेगी और कुछ जगह चढ़ाई भी मिलेगी। टाइम करीब 4 बज गए हैं और 5 बजे तक नीचे पहुंचना है, थोड़ा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए चलते हैं और मिलते हैं आपसे नीचे। ऐसा ट्रैक दिखाऊं कैसा होता है, ये इस तरह का ट्रैक है, यहाँ पे सांप है एक, देखो सांप। ये हाल है, जरा सा गलती हुई सीधे नदी के पास, अब हमें वो वहाँ तक जाना नदी तक। ये नदी है काफ़ी बड़ी नदी, और उसके आने जाने का रास्ता देखो इस वजह से है बहुत ही पथरीला, और पानी का बहाव देखो जरा कितना, पानी का बहाव बहुत ही फुल स्पीड में बह रही है। अरे दोस्तों मेरी GoPro की बैटरी हो गई डाउन, तो हम अपने ब्लॉग को अब आगे फ़ोन से शूट करेंगे, और वैसे कुछ बता नहीं दिखाने के लिए। ये वो नदी है और इसी को क्रॉस करके हम लोग प्रोसेस कर रहे थे। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और ये वीडियो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको घूमने का शौक है। अभी हमें काफ़ी दूर तक चढ़ना है, देखो फाइनली पहुँच गया हम लोग घांगरिया, वो रहा देखो घांगरिया, और पता नहीं कितने किलोमीटर चल के आए हम, लिखने को तो यार 4 किलोमीटर लिखा था लेकिन कुछ ज़्यादा ही था, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, फटाफट नीचे भागते हैं। वहाँ पानी जी ने कुछ इंतजाम कर रखा होगा उसने, कुछ नहीं करा होगा, नहीं पता नहीं सर नहीं करा होगा, फिर हमें ही कुछ ढूंढना पड़ेगा।
तो ये ब्लॉग खत्म नहीं कर देता हूँ, बाकी बातें बाद में।